पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला को सार्वजनिक रूप से पीटा जा रहा था। अब खबर है कि पीड़ित महिला ने वीडियो बनाने वाले के खिलाफ ही एक्शन ले लिया। उसका कहना है कि वीडियो बगैर मर्जी के बनाया गया, साथ ही ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मारपीट करने वाले तजमुल इस्माल उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, घटना बंगाल के उत्तरी दिनजापुर जिले की। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स महिला की बुरी तरह से डंडे से पिटाई कर रहा है। कहा जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाला शख्स तजमुल है और राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक का कथित तौर पर करीबी है। वहीं इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार महिला का कहना है, मुझे नहीं पता कि वीडियो किसने बनाया। जिसने भी वीडियो वायरल किया है उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कार्रवाई कराने की मांग की है। किसी ने बगैर मेरी इजाजत के वीडियो वायरल किया है, मैं पुलिस से अपील करती हूं कि ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है। वहीं पुलिस ने तजमुल को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे स्थानीय कोर्ट में 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट की मांग की है। पीटीआई भाषा से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने यानी राज्यपाल घटना की निंदा की है और सीएम बनर्जी को तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है। इस घटना के सामने आने के बाद ही राज्य में सियासी पारा हाई है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक और वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक युवक जोड़े को पीटा जा रहा है। अधिकारी का दावा है कि पीटने वाला शख्स तजमुल ही है। खबरी चौखट की रिपोर्ट। We'll be right back.